कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी द्वारा नोटिस जारी किए जाने पर कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र की मोदी सरकार का जमकर निषेध किया जा रहा है। चंद्रपुर में भी चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में जोरदार आंदोलन किया गया और जमकर नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। ईडी द्वारा कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को जांच के लिए नोटिस भेजे जाने पर केंद्र की मोदी सरकार का निषेध हर तरफ कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। वहीं इसी संबंध में चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज शुक्रवार को गांधी चौक में केंद्र सरकार के विरोध में एक आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में कांग्रेस के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिसमें चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामू तिवारी के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। इस मौके पर अन्य आंदोलनकारियों के साथ में चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामू तिवारी ने मोदी सरकार की भूमिका का तीव्र शब्दों में निषेध व्यक्त किया और यह भी कहा, मोदी सरकार ने सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी इन्हें ईडी के माध्यम से तकलीफ देना बंद करे, अन्यथा देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मोदी सरकार के विरोध में तीव्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसा भी इशारा इस मौके पर दिया गया है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विनोद दत्तात्रेय के मार्गदर्शन में हुए इस आंदोलन में कांग्रेस के प्रदेश सचिव विजय नड़े, कांग्रेस प्रदेश सचिव शिवा राव, कामगार नेता के सिंह, अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष रमजान अली के साथ कांग्रेस के अन्य शीर्ष पदाधिकारियों में विनोद दत्तात्रेय, संगीता अमृतकर, के सिंह, सुनीता अग्रवाल, स्वाति त्रिवेदी, अनुताई दहेगावकर, शिवा राव, राजेश अडूर, एजाज भाई आदि का समावेश था। वहीं इस मौके पर सभी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा केंद्र सरकार का जाहिर निषेध व्यक्त किया। वहीं इस आंदोलन के संदर्भ में इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामू तिवारी ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर अपनी भड़ास निकाली। केंद्र की मोदी सरकार जो 8 सालों से विरोधी दल को खत्म करने का काम कर रही है, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से लोगों को परेशान करने का काम कर रही है, वैसे ही हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेता आदरणीय सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी को ईडी के नोटिस देकर जो धमकी दी जा रही है, ये उसका हम चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से निषेध कर रहे हैं। इस आंदोलन में सभी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सभी लोग उपस्थित थे। बस अगर 25 तारीख को भी अगर हमारे सोनिया जी को बुलाया जाता है ईडी ऑफिस में तो हम इसी भी तीव्र आंदोलन करेंगे। सीढ़ी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि वैभव।